Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Next Gen Tech. We're back with another short tutorial on software defined radio. आज का जो हम ट्यूटोरियल करने जा रहे हैं उसके अंदर हम करेंगे ये कि वी हैव थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ SDRs. वी हैव RTL SDR. दिस पर्टिकुलर SDR goes from 100 kilohertz all the way up to around 1.7 gigahertz. Hack RF, which is also goes from 50 megahertz all the way up to 6 gigahertz. And then we have RTL SDR dongle. So what we'll try to do, we want to see कि इसके पास ये कितनी, जब ये ऑपरेट कर रहा होता है तो ये कितनी यानी ये पावर लेता है यूएसबी पोर्ट से. बिकॉज अगर आप इन सब का इनपुट देखें, जो आपके पास तीन टाइप के SDR जो कि कॉमनली यूज होते हैं, ये वाला है RF एंड प्लस RTL SDR, तो इनका जो इनपुट है वो तीनों का अपना यूएसबी बेस्ड है. तो हमारे पास यूएसबी मल्टीमीटर लगा हुआ है, एज यू कैन सी राइट नाउ इट्स नॉट रीडिंग. It's saying it's in जो पावर ये दे ले रही है, यूएसबी दे रही है 5.06 वोल्ट और 0 एम्पेयर है. तो हम ये देखेंगे कि जब ऑपरेशनल मोड में है तो ये ईच एचडीआर कितनी पावर लेती है. तो उसके लिए हम फेवरेट करेंगे क्या कि हमारे पास यूनिवर्सल रेडियो हैकर के नाम से सॉफ्टवेयर है URH. सिंपली जस्ट डबल क्लिक स्टार्ट द सॉफ्टवेयर एंड गो टू फाइल. फाइल में जाएं और उसको स्पेक्ट्रम एनालाइजर मोड के ऊपर लें. जैसे ही आप स्पेक्ट्रम एनालाइजर मोड के ऊपर लेके आएंगे, आप यहां से अपनी SDR सेलेक्ट करें. वी आर नॉट यूजिंग USRP, तो हम सबसे पहले करेंगे क्या कि हम RTL SDR सेलेक्ट करते हैं. RTL SDR सेलेक्ट किया, डिफॉल्ट ये जो सिग्नल लेगा वो 433.92 मेगाहर्ट्ज का लेगा. हम इसको चेंज भी कर सकते हैं. हम इसको एक काम करते हैं, GSM की फ्रीक्वेंसी के ऊपर देखते हैं क्योंकि वहां पर ज्यादा एक्टिविटी है और हम ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि ये कितनी करंट ड्रॉ करेगा यूएसबी पोर्ट से. ये हमारे पास जो तीन डिफरेंट डिवाइसेस हैं, तो लेट्स चेंज दिस टू 935 मेगा. हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, हमें स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है. अब हम सिंपली करेंगे कि अपनी यूएसबी में प्लग इन करना शुरू करेंगे. सो लेट्स प्लग इन आवर फर्स्ट यूएसबी RTL SDR. हमने इसको जैसे ही प्लग इन किया तो एज यू कैन सी के जो पावर ड्रॉ कर रहा है ये अबाउट 0.017 एम्पेयर और जो टोटल जो वाटेज है इसकी 0.86 वाट है. यू कैन सी फ्रॉम दिस नंबर हेयर एंड 0.017 एम्पेयर्स की पावर ड्रॉ कर रहा है. अभी ये स्टार्टिंग मोड में नहीं है. एज सून एज आई हिट स्टार्ट, जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया इसने पावर ड्रॉ करना शुरू कर दी 0.133 एम्पेयर, सॉरी एम्पेयर, करंट ड्रॉ करना शुरू कर दिया 0.133 एम्पेयर और ये इसने इतना करंट ले रही है और इसकी वाटेज ड्रास्टिकली तौर पे बढ़ के 0.675 वाट के दरमियान फ्लक्चुएट कर रही है. ये हो गया हमारा सिंपल RTL SDR डोंगल, हमारे पास कनेक्टेड है, वो इतनी पावर ड्रॉ कर रहा है. अब जैसे ही मैं 0.134 एम्पेयर हो गई है अभी, अब जैसे ही मैं इसको स्टॉप करता हूँ, सॉफ्टवेयर के ऊपर दिखाएं, स्टॉप करता हूं मैं, लेट्स लुक एट द पावर नाउ. उसकी करंट ड्रॉ कितना हो रहा है, करंट उसका सिंपल ड्रॉ हो रहा है 0.078 एम्पेयर. ओके नेक्स्ट हम इसको निकालते हैं, जस्ट सिंपली अनप्लग दिस और इसकी जगह हम RTL SDR डोंगल है हमारे पास जो कि 100 किलोहर्ट्ज़ से लेके 1.7 गीगाहर्ट्ज़ तक जाती है. इसकी पावर देखते हैं कितनी ड्रॉ कर रहा है. इसको हमने सिंपली इसके साथ प्लग इन किया और अब हम देखते हैं विदाउट रनिंग अभी जो पावर ये अपना करंट ड्रॉ कर रहा है दैट इज 0.135 एम्पेयर. अच्छा अब जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे, सॉफ्टवेयर के ऊपर गए, सॉफ्टवेयर के ऊपर जाके थोड़ा सा ऊपर और जैसे हमने इसको स्टार्ट किया आपका स्पेक्ट्रम पॉपुलेट होना शुरू हो गया. थोड़ा सा टाइम दीजिए, लेट्स इंक्रीज दिस, थोड़ा हम सैंपल रेट इंक्रीज कर देते हैं. और इसको हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं. आपके पास ये जो मल्टीपल स्पाइक्स आई, अब हम देखते हैं कि क्या करंट है. ये जो करंट ड्रॉ कर रही है ये इज ड्रॉइंग हाउ मच,
0.276 एम्पेयर करंट ड्रॉ कर रही है। अब इसकी वॉटेज कितनी है, 1.385 वाट के करीब ये पावर ड्रॉ कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो RTL SD और डोंगल है ये ज़्यादा करंट ड्रॉ कर रही है और आपके पास ज़्यादा पावर की कंजम्पशन है, वाइल RTL SD और डोंगल हमारे पास कम करंट ड्रॉ कर रही थी, तो इसका मतलब है कम पावर की कंजम्पशन है। ये हो गई, हम इसको यहाँ से अपनी सॉफ्टवेयर में गए, इसको स्टॉप किया। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है HEC-RF। HEC-RF का हम देखेंगे कि HEC-RF कितना करंट ड्रॉ कर रही है और कितनी पावर ड्रॉ कर रही है। तो हम अपनी सॉफ्टवेयर पे गए, गो टू आर डिवाइस, चेंज दिस डिवाइस फ्रॉम RTL SDR टू HEC-RF। HEC-RF ड्रॉ कर अपना, और उसके बाद हमने, लेट्स क्लियर दिस, अभी तक प्लग इन नहीं है, अब हम इसको करेंगे क्या, अब इसको निकालेंगे। इसको हमने सिंपली अनप्लग किया, HEC-RF की पावर प्लग इन की हमने, प्लग इन कर ली। प्लग इन करने के बाद इट विल स्टार्ट रीडिंग दिस, इसका आइडेंटिटी नंबर आ गया और हमने इसका सैंपल रेट, क्योंकि HEC-RF का सैंपल रेट हमारे पास तकरीबन 8 मेगा सैंपल्स है, तो हमने 8 मेगा सैंपल्स इसका चेंज कर दिया। लेट्स इट क्लियर, और हम अब करंट देखें क्या ड्रॉ कर रही है, 0.187 वो करंट था जो कि हमारी RTL SDR डोंगल फंक्शनल मोड के अंदर ड्रॉ कर रही थी। अब जैसे हम इसको ऑन करेंगे, हमने यहाँ से ऑन किया, करंट को दिखाते रहिए, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इसका करंट जंप होके अबाउट 0.389 से 0.390 के दरमियान फ्लक्चुएट कर रहा है इसका करंट, और कितनी पावर ये ड्रॉ कर रहा है, 1.97 वाट के करीब पावर ड्रॉ कर रहा है आपका HEC-RF, जो आपका सिग्नल जो जब ये कैप्चर कर रहा है। तो बेसिकली अगर पावर कंपैरिजन किया जाए तो हमारे पास RTL SDR डोंगल ये वाली और HEC-RF का पावर ड्रॉ तकरीबन सेम है, और दिस इज़ हाउ मच इज़ ड्रॉइंग, इतनी पावर आपके पास HEC-RF अभी ले रहा है, करंट ले रहा है और पावर ले रहा है 1.9 ऑलमोस्ट 2 वाट के करीब पावर ले रहा है आपकी। So, I hope you like our short tutorial on power draw or apna current draw that is coming from the USB. So, don't forget to subscribe to our channel on YouTube is NextGen Tech, on Facebook is NextGen Tech, and on Instagram is NextGen_Tech. Assalamu alaikum.